हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे भिंडी की खेती कैसे आप फरवरी महीने पर सफलतापूर्वक ग्रो कर सकते हैं, कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए, और यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिले और एक अच्छे से आप ज़्यादा से ज़्यादा ओकरा फार्मिंग से बेनिफिट और कमाई कर पाएँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फरवरी महीने पर आप भिंडी की खेती दोस्तों कर सकते हैं। एक एकड़ पर कितनी सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है? कम से कम 1.5 किलोग्राम 1.5 kg एक एकड़ में सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली। और वैरायटी के ऊपर बात करें तो मार्केट में सैकड़ों वैरायटी हैं, नामधारी, ननहेम्स, इंडो अमेरिकन और सजेंटा कंपनी, काफ़ी वैरायटी हैं। लेकिन हमको एक पर्सनली काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी लगी वो है एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका। अब इसका मतलब ये नहीं है कि राधिका बढ़िया है और सब खराब हैं। देखिए, राधिका का हमको जो उत्पादन देखने के लिए मिला वो काफ़ी अच्छा मिला। क्या राधिका से भी भिंडी की कोई अच्छी वैरायटी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए आप राधिका वैरायटी को दोस्तों लगा सकते हैं एडवांटा गोल्डन सीड्स की। राधिका बढ़िया उत्पादन देने वाली किस्में हैं। वेड तैयार के ऊपर बात करें तो वेड विधि से भी खेती कर सकते हैं, साधारण विधि से भी आप खेती कर सकते हैं। वेड विधि से खेती कर रहे हैं तो वेड की चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है, वेड से वेड की दूरी 3 फीट और वेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज यानी बुआई के समय खाद, यदि भूमि कम उपजाऊ है तो फिर 2 ट्रॉली गोबर की खाद, SSP 50 kg, DAP 25 kg और सरसों की खली 2 क्विंटल आपको प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी भूमि उपजाऊ है तो केवल और केवल 2 ट्रॉली गोबर की खाद और 25 kg SSP का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कम उपजाऊ भूमि है तो फिर थोड़ा सा उर्वरक खाद की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। साधारण तरीके से आप खेती कर रहे हैं दोस्तों तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट रखनी चाहिए और लान से लान की दूरी 3 फीट आपको रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी उपयुक्त है और आप चाहें तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट भी रख सकते हैं, यानी पौधे से पौधे 1 से 2 फीट और लान से लान की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो। लेकिन ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट और 1 वेट पर डबल लान पर जिग जैग पौध रोपण या फिर बुआई करनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं। यदि आप भिंडी की खेती फरवरी महीने पर कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग के दिनों पर ज़रूर कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली, लेकिन खासकर मार्च और अप्रैल के महीने पर एक अच्छा वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखना, एक अच्छी सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सिंचाई के साधन अच्छे होने चाहिए यदि आप फरवरी महीने पर भिंडी की खेती कर रहे हैं। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो दोस्तों देखिए, निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। मार्केट में ऐसा नहीं है कि खरपतवार नाशक उपलब्ध नहीं है, हैं, लेकिन भिंडी की फसल को निराई गुड़ाई से ही खरपतवार मुक्त और कंट्रोल करना चाहिए। पहली निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन की होती है फसल, सेकंड निराई गुड़ाई 70 से 90 दिन के आसपास की फसल होती है, तो दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा खरपतवार मुक्त फसल आप रखेंगे दोस्तों उतनी ही अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलेगी। रोग बीमारी एलोमोजिक वायरस है, जो लीफ कर्ल वायरस है, वाइट फ्लाई है, हरा मच्छर, इनका प्रकोप बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। वीडियो के अंत में आपको ज़रूर बतलाएंगे दोस्तों कि भिंडी की फसल पर स्टार्टिंग पर आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिल गई, फिर उसके बाद प्रॉपर हार्वेस्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है, प्रति पौधे पर उतनी अच्छी भिंडी, उतने अच्छे फल फूल नहीं लग पा रहे हैं, तो पैदावार कैसे आप बढ़ा सकते हैं इसकी जानकारी बिल्कुल आपको मिलने वाली है। वीडियो पर बने रहिए। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गर्मियों के दिनों पर भिंडी की फसल पर रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही मिलता है। कीट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कौन कौन से कीट आ सकते हैं, खासकर डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, एंथ्रेक्नोज, एफिड, जैसेड, थ्रेप्स, सफ़ेद मक्खी, सेमी लूपर्स, लीफ माइनर, कटरपिलर का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। और बीच बीच में जो वायरस है, मोज़ेक वायरस है, लीफ कर्ल वायरस है, LCV, इनका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनका जो
उपाय है, इलाज है स्प्रे के रूप में, और जो हम आपको स्प्रे बताएंगे दिनों के हिसाब से और 15 लीटर की दर से जो पंप आता है उसकी दर से आपको डोज बतलाने वाले हैं। वीडियो पर दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे, यह जो तीन स्प्रे हैं इनको आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा फोर्थ स्प्रे, फिफ्थ स्प्रे और छठवां स्प्रे, आपको इन स्प्रे को फॉलो करना चाहिए। अब रोग बीमारी का प्रकोप कम है दोस्तों, तो इनको स्प्रे को आप जो अंतर है, जो दूरी है या फिर जो डिस्टेंस हमने आपको बतलाया है दोस्तों कि अंतराल, उसको आप थोड़ा गैप को बढ़ा भी सकते हैं यदि रोग बीमारी का प्रकोप कम है तो। इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बात कर रहे थे पैदावार बढ़ाने के लिए खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। साधारण तरीके से खेती दोस्तों आप कर रहे हैं तो इन खादों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं फर्स्ट खाद, सेकेंड खाद, थर्ड खाद। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो खाद हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इन खादों को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। प्रॉपर दिन बताए गए हैं और जानकारी प्रति एकड़ की दर से बतला रहे हैं। एक एकड़ में जड़ों के पास, जड़ों से 4 से 5 इंच दूर यानी ठीक तरीके से निराई गुड़ाई करनी है, फिर 2 दिन की तेज़ धूप लगाना है, फिर खाद देकर सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। स्टार्टिंग के दिनों पर दोस्तों हमारी भिंडी की फसल पर पत्तियों को खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो आप एमामेक्टिन वेंजवाइट का स्प्रे कर सकते हैं। आप बायर कंपनी की सोलेमान का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों, प्रोक्लेम का स्प्रे कर सकते हैं, इसके अलावा प्रोफेक्स सुपर का स्प्रे कर सकते हैं। जब भी फल फूल की संख्या कम देखने के लिए मिल रही है तो 30 kg यूरिया लेना है, 5 kg माइक्रोन्यूट्रियन फर्टिलाइजर्स लेना है, 1 kg ह्यूमिक एसिड लेना है और आपको 500 g बोरॉन लेना है। इन सभी को मिक्स करना है और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। कब? जब भी यह प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पीलापन की समस्या है, फल फूल नहीं आ रहा है, तो इनको फॉलो आपको जरूर करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं तो केवल भिंडी की फसल पर बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। अब आपको लग रहा है कि भिंडी की जो फसल है केवल और केवल बढ़वार ले रही है, ना तो फल आ रहे हैं ना तो फूल आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? बायर कंपनी की प्लानोफिक्स आती है। जब आपको लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा हमारी भिंडी की फसल केवल बढ़वा ले रही है, उतनी अच्छी उपज देखने के लिए नहीं मिल रही, तो बायर कंपनी की प्लानोफिक्स 15 लीटर पानी में 4 से 5 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर घरडा की चमत्कार 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यही एक सीक्रेट बात है। इस हिसाब से दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो फरवरी महीने पर दोस्तों आप बुआई करते हैं तो 50-55 दिन में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है भिंडी की फसल। उत्पादन 1 एकड़ में 65 से 70 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है, प्रॉपर देखभाल यदि आप करते हैं तो। मार्केटिंग रेट 15 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम का एक औसत बाज़ार भाव देखने के लिए मिलता है, लेकिन फरवरी महीने पर आप खेती करते हैं तो अप्रैल मई महीने पर खासकर दोस्तों बहुत अच्छे बाज़ार भाव देखने के लिए आपको मिलेंगे। 30-40 रुपये kg कम से कम रेट देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं, खासकर आपको मार्च अप्रैल मई के महीने पर दोस्तों। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 18,000 से 20,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी। लाइफ साइकिल 4 से 5 महीने बड़े आराम से चलने वाली है भिंडी की फसल। मुनाफा की ऊपर बात करें तो सभी लागत को दोस्तों काट कर आप 1.5 लाख रुपए के आसपास कमाई कर सकते हैं। यदि बहुत अच्छे बाजार भाव रहते हैं दोस्तों तो 1 एकड़ से आप 2 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। कम लागत वाली फसल है तो आप भिंडी की खेती फरवरी महीने पर करके काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को आपने अंत तक देखा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।